हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आकाश जी टू एम चैनल पे। आज क्यों बात करेंगे ई कल्याण स्कॉलरशिप को कैसे अप्लाई करें, चाहे आप फ्रेश हो चाहे आप रिन्यूअल हो। इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, शुरू से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताएंगे, वीडियो को कंप्लीट देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी जो लास्ट डेट है वो 17 मार्च 2023 तक है। इसकी लास्ट डेट बढ़ने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि 2 या 3 दिन जो है सर्वर डाउन रहा है, जिसके कारण बच्चे फॉर्म जो अप्लाई नहीं कर पाए हैं। तो आज मैं बहुत मुश्किल से वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, क्योंकि सर्वर डाउन जैसे ही खुला था उसके बाद ही मैंने फॉर्म को अप्लाई किया। थोड़ा 1-1.5 घंटे का मुझे समय लगा वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं चीजों के बारे में, आपको कौन कौन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्कूल कॉलेज के बोनाफाइड सर्टिफिकेट। अगर आपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट अभी भी नहीं बनवाया तो अपने स्कूल या कॉलेज में जाके अपने बोनाफाइड सर्टिफिकेट को बनवा सकते हैं। ऑल स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा आपकी जो कास्ट है वो BC EBC SC and ST स्टूडेंट होनी चाहिए। आपकी जो फैमिली की इनकम है SC and ST के लिए 2.5 लाख से कम और BC EBC के लिए 1.5 लाख से कम आपकी फैमिली की इनकम होनी चाहिए। अगर आप क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं तो आप पोस्ट ग्रेजुएट पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आ जाते हैं, जैसे 11, 12 ITI, BEd, BTech, डिप्लोमा, जनरल अंडरग्रेजुएट कोर्स, PG, अदर पोस्ट, जितनी भी आपकी स्कीम से जो पोस्ट मैट्रिक अंडर आती है वो सारे बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया भाई, इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आपको इस पोस्ट पे आना है और आपको यहाँ पे नीचे आने के बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा ई कल्याण स्कॉलरशिप ऑफिशियल ऐप से, इस लिंक पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप अपनी जो ऑफिशियल वेबसाइट उस पर पहुंच जाएंगे, और उसके बाद आप अगर फ्रेश है रिन्यूअल है तो आपको एक ही जगह क्लिक करना है। पहले सबसे पहले कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे काफी बच्चे गलती करते हैं, A to Z बताने वाला हूँ, वीडियो कंप्लीट देखें। स्टूडेंट का आधार नंबर, आपको अपना आधार नंबर यहाँ पे दर्ज करना, जो भी आपका आधार नंबर है। स्टूडेंट का नेम दर्ज करना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे दर्ज करना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। जेंडर जो आपका मेल फीमेल जो भी जेंडर उसको आपको दर्ज करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, मोबाइल नंबर वो दीजिए जिसमें आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक हो। समझ में आ गया, जैसे मान चलो आपका आधार कार्ड है उसमें अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यहाँ पे आपको OTP नहीं आएगा, आपका फॉर्म वेरीफाई नहीं होगा। अगर आप आधार कार्ड वो देंगे जिसमें मोबाइल नंबर लिंक है, ठीक है, उसमें आप वेरीफाई आधार डिटेल पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे OTP आएगा, आपको OTP दर्ज करना पड़ेगा, तभी जाके जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है वो पूरा आपका वेरीफाई हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे देना है कैंडिडेट लॉगिन पोस्ट मैट्रिक, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे अगर यहाँ पूछा गया, अगर आप आउटसाइड स्टेट से हैं तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, मतलब झारखंड के अलावा अगर बिहार राजस्थान मुझे देख रहे हैं तब भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विथिन स्टेट से झारखंड के निवासी है तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों कैटेगरी सेम है। चलो मैं इस विथिन स्टेट लॉगिन पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो आप मोबाइल नंबर पासवर्ड से अपना लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड जैसे क्लिक करेंगे अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे आप इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे आपको सबमिट कर देना है। आपको डेफिनेटली यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा, अपना मनपसंद जो पासवर्ड हो आप क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर पासवर्ड क्रिएट करने के बाद कैप्चा भर लीजिएगा, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन में लॉगिन कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट इंटरफेस आपको यहाँ पे देखने को मिला कुछ इस प्रकार देखने मिला, अकेडमिक ईयर 2022-23 आपको देखने को मिल जाएगा, पोस्ट मैट्रिक विथिन स्टेट फ्रेश एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन 2022-23, ठीक है। आपको यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन में क्लिक करना है। देख लीजिए अप्लाई ऑनलाइन के जैसे ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपकी जो डिटेल्स है वो कुछ इस प्रकार से आपके पास आ जाएगी। जैसे आपका मैट्रिक टेंथ डिटेल आ गई, मैट्रिक टेंथ पास टाइप, आप टेंथ किस टाइप से पास की, जैसे JSE बोर्ड है आपका, जैसे आप CBSE बोर्ड से, ICSE बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने पास किया है उस बोर्ड को आपको सिलेक्ट कर लेना है। मैट्रिक अगर आपका प्रवेश पत्र है मतलब एडमिट कार्ड है या माने रोल नंबर है तो यहाँ पे दर्ज कर सकते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इफ लिखा हुआ है अगर उपलब्ध हो तो, ठीक है। मैट्रिक टेंथ पास ईयर अगर आप 10वीं किस वर्ष पास किया तो वो आपको यहाँ पे दर्ज कर देना है। उसके बाद अधिकतम मार्क्स कितने, टेंथ में आपके अधिकतम मार्क्स कितने, मतलब टोटल कितने सब्जेक्ट थे, कितने मार्क्स के थे, जैसे 500 में से 600 में से कितने नंबर से, वो आपको यहाँ पे दर्ज करना अधिकतम, ठीक है, यहाँ पे टोटल मार्क्स। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको दर्ज कर, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपने टोटल में से कितने मार्क्स प्राप्त किए वो आपको यहाँ दर्ज करना, जैसे 400, 300, 200 जितने प्राप्त को आप लिख देना है आपको। उसमें लिखा हुआ है डिवीजन ग्रेड ऑब्टेन, ठीक है, आपने कितने डिवीजन ग्रेड प्राप्त किए। अगर आप यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन पास हुए तो फर्स्ट डिवीजन आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। जेंडर जो है जेंडर यहाँ पे मेल आपको फीमेल जो भी आपको टाइप आपको कर देना है, ठीक है। ये प्रकार ऑप्शन हो जाने के बाद उसके बाद नेक्स्ट इंटरफेस आपको
कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। आपको पर्सनल डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल में जैसे एप्लीकेंट का नाम, आवेदक का नाम यहाँ पे दिख जाएगा, पेरेंट्स आर लाइव और नॉट, ठीक है, इसको आप यस या नो कर सकते हो। अगर आप लाइव है तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। डू यू लिव विथ द गार्जियन, क्या आप अभिभावक के साथ रहते हैं? अगर आप अपने अभिभावक के साथ रहते हैं तो इसको यस कीजिएगा इस ऑप्शन को। उसके बाद फादर्स नेम आपको यहाँ दर्ज कर देना है। उसके बाद फैमिली इनकम, जो भी आपकी फैमिली की इनकम है, ध्यान रखिए फैमिली इनकम को दर्ज करना है, लेकिन जो इनकम सर्टिफिकेट है वैलिड हो उसी को दर्ज कीजिए, क्योंकि आगे जैसे आपका फॉर्म DWO डी ऑफिस वेरीफाई करेगा तो कहीं ना कहीं उनको अगर गलत पाया जाता है तो आपके फॉर्म को रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। ईमेल आईडी आपको हमें भर देना है। उसके बाद कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जैसे आपकी जो कैटेगरी SC ST EBC जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आपको भर लेना है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन है, मोबाइल नंबर को आपको फिल कर देना है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद फिर नेक्स्ट इंटरफेस कुछ प्रकार से देखने को मिलेगा। ये चीज देखो, अब मैंने यहाँ पे भर लिया, चीजों को देख लीजिए अच्छे से। यहाँ पे मदर इज अलाइव और नॉट, यहाँ पे यस लिख दीजिएगा। और डू यू लिव विद द गार्जियन, क्या आप साथ रहते हैं, यहाँ पे यस नो आप कर सकते हैं। मदर्स नेम आपको लिखना है। मदर ऑक्यूपेशन, माँ का व्यवसाय क्या है? अगर आप माँ का व्यवसाय, आपको माँ का व्यवसाय नहीं पता है तो ये काम कर सकते, आप यहाँ पे हाउस वाइफ भी कर सकते हो, यहाँ पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपकी माता काम करती है तो वो भी आप लिख सकते हो, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो ड्रॉप डाउन का ऑप्शन। उसके बाद आपका पास ये कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, आपके पास इंस्टीट्यूशन कॉलेज डिटेल, ठीक है, इसको आपको फिलअप करना आवश्यक है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट लिखा है, डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना, आपको जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक जो है उसको आपको सिलेक्ट कर लेना। अब काफी बच्चों को एक प्रॉब्लम आती है, कॉलेज सिलेक्ट करें सर, कॉलेज सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये क्या प्रॉब्लम है? देखो, कल जब मैंने 12 या 12:30 बजे जब वीडियो रिकॉर्ड किया, जब सर्वर पूरी तरह से खाली हो चुका, अब मैं जब चेक कर रहा हूँ कॉलेज, तब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉलेज डिटेल ऑप्शन का, ठीक है। तो आप जब ट्राई करिएगा, एक दो बार रिफ्रेश करके ट्राई कीजिएगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आपकी जो कॉलेज जो ऑप्शन है वो आ जाएगा। क्योंकि कल तक काफी बच्चों का कॉलेज की प्रॉब्लम आ रही थी, कॉलेज सिलेक्ट नहीं हो रहा है सर, हमारा कॉलेज का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है हमारा, इस प्रकार की प्रॉब्लम देखने को मिली थी, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी बोर्ड, आपका जो भी यूनिवर्सिटी बोर्ड का नेम है वो आपको यहाँ लिख देना है, कॉलेज का ईमेल आपको लिख देना है, कॉलेज का मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज एडमिशन नंबर, आपको यहाँ पे एडमिशन नंबर लिख देना है। उसके बाद कॉलेज एडमिशन डेट, आपने कॉलेज में एडमिशन कब लिया था, उसकी डेट क्या है वो आपको लिख देना है। कोर्स आपको यहाँ पे लिख देना है, आपने क्या कोर्स किया है, BA, BSc, BCom, BEd, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पे कोर्स को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये प्रोसेस को आपको कंप्लीट फिल करना है, ठीक है। ये प्रोसेस को कंप्लीट फिल करेंगे तभी जो है नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास खुल के आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन जो आपके पास रहेंगे, सब फिल करने के बाद आपका कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करने का, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन एड्रेस में आपको फिल करना है, जैसे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, अगर दोनों एक ही है तो आपको टिक मार करके वही डिटेल आपको भेज देनी है। उसके बाद फिर आपको डॉक्यूमेंट आपको जमा करने पड़ेंगे, सब कुछ करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट करने पड़ेंगे। और डॉक्यूमेंट कैसे करेंगे, चलिए उसको जानते हैं। फ्रेंड्स, सबको डिटेल भरने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने ही पड़ेंगे, कुछ इस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड करने, जिसमें आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको चूज फाइल पे जाके अपलोड करना है, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपका नंबर अवेलेबल हो तो नंबर भी आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपने जो कॉलेज की बोनिफाइड सर्टिफिकेट जो आपको अपलोड करना है, स्टूडेंट प्रीवियस क्लास की मार्क्सशीट अपलोड करनी, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास की मार्कशीट का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आप पिछले कक्षा, अगर आप 10th में थे तो 10th की मार्क्स अपलोड करनी, अगर आप 12th में थे तो 12th की मार्क्स अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आप मान चलो अभी 4th सेमेस्टर में है तो आपका अपना जो पिछला सेमेस्टर है उसकी मार्क्सशीट आपको अपलोड करनी पड़ेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टूडेंट बैंक पासबुक, पासबुक आपको अपलोड कर देना है। ये अपलोड करने के बाद फिर जो नेक्स्ट इंटरफेस जो रहेगा आपके पास पूरा इस प्रकार का फॉर्म खुल के आ जाएगा, ठीक है। इसमें आपकी सारी डिटेल जो है A to Z आपकी भरी हुई रहेगी। आपको यहाँ पे स्टूडेंट एंड पेरेंट डिक्लेरेशन का फॉर्म मिलेगा नीचे, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको साइन कर लेना, अपने माता पिता का साइन हस्ताक्षर करवाने के बाद आपको ये दोबारा से आपको अपलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको बाद में आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। और इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको कॉलेज में भी जमा करनी पड़ेगी, जिससे कॉलेज जो आपके फॉर्म को वेरीफाई कर दे, इंस्टीट्यूट वेरीफाई कर दे, ठीक है। ये चीज पूरा प्रोसेस रहेगा, इस चीज को पूरा करिए, चाहे फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल हो, आपका फॉर्म यहाँ पे भरने लगेगा, कंप्लीट प्रोसेस के साथ है, ठीक है। कोई भी दिक्कत आती है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिए।